अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश और खुर्रम रखे, आप सबकी तमाम दिली ख्वाहिशात पूरी हों, आमीन। वेलकम टू माय चैनल मास्टर फूड सीक्रेट। आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। मूली 1 किलो, मूली छील कर कद्दूकश करके 1 टीस्पून नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए मैंने इसे रख दिया है। इसके बाद अब इसको अच्छी तरह निचोड़ लेंगे ताकि जितना पानी है वो सब निकल जाए। प्याज लिए मैंने 1 अदद, उससे अंडा फ्राई करने के लिए जैसे काटते हैं वैसे काट लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च 3 अदद, नमक हसबे जायका लीजिएगा, पिसी मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, भुना ज़ीरा 1 टेबलस्पून। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें नमक लगा के रख दिया। अब इसको हाथों से अच्छी तरह निचोड़ कर बाउल में डाल लेते हैं। जितनी ताकत है आपने इसमें लगा देनी है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया, इसमें ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें प्याज फ्राई कर लेते हैं। देखिए प्याज हो चुकी है और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि लगे ना मसाला नीचे, और इसमें मिर्ची भी चाहिए। नमक हरी मिर्च जीरा बनाओ, हल्दी मसाला भून गए। अब इसमें मूलियाँ डालने, तो थोड़ा बहुत पानी रह गया होगा तो इसमें खुश्क हो जाएगा। हरा धनिया इसमें डालना, ये हो चुका है। अब इसे ठंडा कर लें, उसके बाद पराठे बनाते हैं इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए, इनको बेल लेते हैं।
देखिए रोटी बेल ली मैंने, अब इसके ऊपर मटेरियल रख के और ये दूसरी रोटी से ऊपर से ढक दें, चारों तरफ से ऐसे दबाव दे के बंद कर दें। तवा मेरा गर्म हो चुका है, इस देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। देखिए माशाल्लाह मूली के पराठे कितने अच्छे बने हैं। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई होगी। आप सबके देखने का और तावन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।